Hello students, this is Sudarshan Rai from KELVIN Institute, Delhi. As a faculty of chemistry from KELVIN Institute, I welcome all of you to YouTube channel of KELVIN Institute. KELVIN Institute ke is YouTube channel par aap sabhi ka phir se swagat hai. Hum log yahan par KELVIN Institute mein kuch videos, kuch certain topic par, selected topic par वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं. YouTube पर वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी और YouTube पर ये वीडियोस के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा. और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर आप होम चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो के सब पार्ट, एक वीडियो के एक टॉपिक के जितने भी पार्ट्स होंगे वो इकट्ठे एक साथ मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए आप होम पेज खोलिए यूट्यूब चैनल का, KELVIN इंस्टीट्यूट का, और ऊपर की तरफ से राइट हैंड ऊपर की तरफ से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा. उस पर आप क्लिक कीजिए, उस पर आपको कई सारे टॉपिक्स नजर आएंगे. जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक के सारा वीडियो इकट्ठे एक साथ आप देख सकते हैं. ओके, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है. सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे पास आता है, वो है हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट हॉफ फैक्टर. ओके, हम लोग देखें कि ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है. एबनॉर्मल मोलर मास अगर हम देखेंगे तो एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब हमें जैसे समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, जो नॉर्मल नहीं है उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास. तो क्या चीज नॉर्मल नहीं है, ये देखने के लिए, मतलब सपोज किया हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका मोलर मास हमें पहले से पता है. जैसे सपोज किया हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का हमें मोलर मास पहले से पता है कि सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हमारे पास 58.5 होता है. इसका हम मोलर मास देखें तो इसका मोलर मास 58.5 है. लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इसका मोलर मास डिटरमाइन करेंगे, तो इसका एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन के बाद अगर मान लिया मोलर मास हमारे पास आ रहा है 40 आ रहा है, अगर मान लिया मोलर मास हमारे पास आ रहा है 30 आ रहा है, अगर मान लिया मोलर मास हमारे पास आ रहा है 35 आ रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मोलर मास जो हमारे पास अभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके आ रहा है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब पहले से ऑलरेडी जो नोन वैल्यू है इसके पास नहीं आ रही. तो ऐसे मोलर मास को हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास. मतलब एबनॉर्मल मोलर मास क्या हुआ, एबनॉर्मल मोलर मास हुआ मोलर मास जो कि हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब प्री डिटरमाइंड वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग मोलर मास है, उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब कब देते हैं. तो अभी हम लोगों ने देखा एबनॉर्मल मोलर मास मतलब हमारे पास हमने बताया मोलर मास ऑब्जर्व जो कर रहे हैं विच इज नॉट इक्वल टू थियोरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं है. तो हमारे पास ये जो ऑब्जर्व मोलर मास है इस मोलर मास को हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास. मतलब कि हमारे पास मोलर मास जो पहले से डिटरमाइंड वैल्यू है उससे कुछ अलग वैल्यू आ रही, चाहे वेदर एक्सपेरिमेंटल एरर हो, एक्सपेरिमेंट में किसी तरह की गलती हो रही हो, या फिर हमारे पास कुछ और फैक्टर हो तो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू से के इक्वल नहीं आ रही. यूं तो हमारे पास मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए कई सारे
मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक मेथड, वन ऑफ द मेथड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन यूज करके मोलर मास डिटरमाइन करना। तो अगर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके मोलर मास डिटरमाइन करते हैं तो कभी कभी मोलर मास एबनॉर्मल आ जाता है। अगर हम देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके एबनॉर्मल मोलर मास कब आता है, तो ये देखते हैं कि कोलिगेटिव मोलर मास से एबनॉर्मल मोलर मास कब आएगा। रीजन ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके एबनॉर्मल मोलर मास कब आएगा। दो रीजन है, पहला रीजन है सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। जब हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो क्या होगा, जैसे हमने एक ऐसे बीकर लिया, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन हमने बनाया, ये हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। अभी हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस है, एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, स्टिक नहीं कर रहे। अब हमने क्या किया, ये लिया, अब हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, कुछ इस तरह का कंडीशन नजर आएगा। काफी सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक कर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 4 पार्टिकल लिया था, अब हमारे पास यहाँ पर 6 पार्टिकल, लेकिन 6 पार्टिकल है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि दो दो पार्टिकल इस तरह से आपस में चिपक गए, स्टिक कर गए, स्टिक कर गए, तो हमारे पास इफेक्टिव पार्टिकल्स अभी भी 4 या उसके आसपास रह गए, 4 या उसके आसपास रह गए। एक्सपेक्टेशन था कोलिगेटिव 6 पार्टिकल से मिलेगा, बट अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 4 के आसपास ही रह गए, तो हमारे पास ऑब्वियसली ऑब्जर्व मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास के इक्वल नहीं आ पाएगा। सेकंड पॉइंट होती है डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, हम बोर्ड पर उधर समझा रहे हैं। पर डिस्कस कर रहे थे अभी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर क्यों एबनॉर्मल मोलर मास दे देती है। अभी हमने देखा कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पास पास आकर के एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, और स्टिक करने की वजह से, चिपकने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल वैरी कर जाएगा और हमारे पास मोलर मास एबनॉर्मल आ जाएगा। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही नॉर्मल नहीं होगी। दूसरा हमने देखा कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसे सपोज किया हमारे पास हमने सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, अब हमारे पास NaCl लिया तो ये हमारे पास Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया। अगर हमने मान लिया यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल लिया, 100 मॉलिक्यूल लिया तो 100 मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में पूरा 100 मॉलिक्यूल था, फाइनली क्या होगा, ये पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, 100 Na प्लस बन जा रही है और 100 Cl माइनस बन जा रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 100 मॉलिक्यूल से डिसोसिएशन मिलेगा, 100 मॉलिक्यूल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा,
लेकिन अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हम यहाँ पर नेट देख लें, 200 मॉलिक्यूल्स का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास मोलर मास ऑब्जर्व्ड एबनॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में, जैसे हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, हमने एग्जाम्पल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट मालूम है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, इस तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड अक्सर डाइमर का फॉर्मेशन कर देती है, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, R पर COOH फंक्शन ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास एक डाइमर बना हुआ पार्टिकल नजर आएगा। मतलब हमारे पास क्या होगा, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो 50 मॉलिक्यूल नजर आएगा, 100 मॉलिक्यूल या 100 पार्टिकल नहीं नजर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाए, तो हमारे पास मोलर मास एबनॉर्मल हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों एबनॉर्मल मोलर मास देते हैं, क्या रीजन होती है, क्या वजह होती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल मोलर मास देंगे। तो अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास डिटरमाइन करना चाहें तो कई सारे केस में एबनॉर्मल मोलर मास होगा। कौन सारी केस होती है हम लोग अभी आगे देखेंगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो, एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो, तो एबनॉर्मल मोलर मास आ जाएगा। इन सारे केस को ठीक करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सही मोलर मास आ जाए, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है वांट हॉफ फैक्टर, जो अभी तक हम लोग सॉल्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज नहीं किए थे। जब एबनॉर्मल मोलर मास दिखा तो हमें लगा कि नहीं, वांट हॉफ फैक्टर हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करना पड़ेगा, और हम लोगों ने फिर वांट हॉफ फैक्टर यूज किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। देखते हैं वांट हॉफ फैक्टर क्या होता है। वांट हॉफ फैक्टर इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई। वांट हॉफ फैक्टर हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास एक रेशियो है। किस चीज की रेशियो, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मास का। मतलब वांट हॉफ फैक्टर आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। और हम कभी भी देखें, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें,
elevation in boiling point, yeah, depression.